या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्ण आप सभी को। तो आज है चौथा नवरात्रा माता कुष्माण्डा। तो चलिए माता कुष्माण्डा के बारे में, उनकी पूजा का महत्व और उनकी कथा जान लेते हैं। माता कुष्माण्डा माता दुर्गा का चौथा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्होंने ही इस महाब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कुष्माण्डा सूर्य मंडल के अंदर निवास करती है और वहां निवास करने की क्षमता सिर्फ इन्हीं में है। इनकी तेज और आवाज से सूर्य के समान ही प्रदीप्त हैं, जो दस्य दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। माता कुष्माण्डा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता कुष्माण्डा की कथा, स्वरूप, प्रिय रंग और उनका फूल, पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। माँ का स्वरूप, माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पास सूर्य के समान तेज और चमक है। इनकी आठ भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। यह अपने दाहिने चार हाथों में धनुष, कमंडल, बाड़ा और कमल के फूल धारण किए हुए रहती हैं, जबकि बाएं के चार हाथों में चक्र, गदा, अमृत कलश और जप माला धारण की हुई रहती हैं। इन्हें सूर्य की स्वामिनी भी कहा जाता है और यह दिशा सूर्य दिशा और को ऊर्जा प्रदान करती है। सिंह पर विराजमान माता कुष्माण्डा सदैव मंद मुस्कान की मुद्रा में दिखाई देती है। तो चलिए जान लेते हैं माता कुष्माण्डा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब देवी कुष्माण्डा जो सैकड़ों सूर्य को प्रकाश से प्रकाशित है, उस समय प्रकट हुई और उनकी मुस्कुराहट से सृष्टि के पलके झपकना शुरू हो गई। जिस तरह फूल में बीज का जन्म होता है, उसी तरह माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ, इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड की आदि स्वरूप आदि शक्ति कहा जाता है। देवी कुष्माण्डा का निवास सूर्य के मध्य में है और यह सूर्य के तेज और प्रकाश में को नियंत्रित करती है। माता कुष्माण्डा का प्रिय फूल कुम्हाड़ है, जिससे पेठा बनता है, इसीलिए इनकी पूजा में समूचे कुम्हाड़ या उनसे बने पेठे को चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड को कुम्हाड़ फूल के समान माना जाता है, जो बीच में खाली होता है। ऐसी मान्यता है कि माता कुष्माण्डा भी ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान होकर पूरे संसार की रक्षा करती है। इसके अलावा माता कुष्माण्डा को मालपुए, दूध, चीनी और आटे से बनी अन्य मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इन्हें दही और हलवा भी बहुत प्रिय है, इसीलिए इनकी पूजा के लिए हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है, सिंघाड़े का हलवा, बादाम का हलवा इत्यादि। और इन्हें गुलाब और गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। इसके अलावा सिंदूर, धूप और दीप भी अर्पित करें माता को। माता कुष्माण्डा की पूजा, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता कुष्माण्डा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद रोज की तरह कलश की पूजा करें और माता कुष्माण्डा की आराधना, उन्हें लाल रंग के फूल, गुलाब, गुड़हल अर्पित करें। इसके बाद कुम्हाड़ के फूल या इसके बने पेठे का भोग भी लगाएं। आप मालपुए या हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, अक्षत, लाल वस्त्र, चूड़ी अर्पित करें। अंत में घी के दीपक जलाएं और माता कुष्माण्डा के मंत्र का जाप करें। थी कुष्माण्डा माता की छोटी सी कथा और उनके स्वरूप, उनका फल, फूल, उन्हें क्या पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियोस के साथ, कथाओं के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।